हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी नवरात्रे हो गए हैं स्टार्ट, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब ये जो नया व्लॉग है, ये नवरात्रों के ऊपर ही बनाएंगे कि नवरात्रों में हम क्या क्या करते हैं और मंदिर कहाँ कहाँ जाते हैं, और सभी मंदिर जो आसपास के मंदिर होंगे घर के आसपास वहाँ लेके चलेंगे। ओके, चलिए चलते हैं। आरती का टाइम। अभी हमने 8 दिन के लिए जलाई है अखंड ज्योत, जिसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना पड़ता है, और थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। हेलो गाइस, तो अभी निकल चुकी है दृष्टि अपने बिल से बहुत दिनों के बाद। तो मुझे लगा था बहुत दिनों से कि दृष्टि के एग्जाम चल रहे हैं, वो पढ़ रही होगी, लेकिन आज मुझे पता चला कि दृष्टि एग्जाम्स खत्म होने के बाद टीवी को दबा दब जोर दिया और अंदर देखने को। जब मैं गई इसके रूम में कि देखी आऊं कि नहीं, एग्जाम लग रहे मुख्य नहीं कर दे अब तक। तामे देख सका है तुझे दृष्टि, क्या किया आपने पेपरों के बाद? टीवी देखा। कौन देखा? क्या देखा टीवी में? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, और ये भी है मौमिता की तरह BTS की फैन। चलिए, तो आज जाएंगे हम दृष्टि के साथ घर के ऊपर। यहाँ पे एक पहाड़ी जैसी है छोटी सी, मतलब वहाँ पे हमारे जो गांव के देवता है वो बैठते हैं वहाँ पे, तो वहीं पे हम जाएंगे आज। तो फिर चलिए चलते हैं। रेडी है दृष्टि आप चलने के लिए? चलिए। देख सकते हैं आप, ये वही शख्स है जिसने कल परसों पहने थे धोती और बना हुआ था पुजारी, और आज देखो कैसे घूम रहा है एकदम। अभी हो गई है शाम और आप देख सकते हैं स्प्रिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है और सब जगह फूल लग चुके हैं। तो यहाँ से हमारे गांव के देवता जहाँ पे बैठते हैं उसके लिए रास्ता, वहाँ ऊपर जाएंगे हम उससे उधर वाली साइड। अभी मेरे साथ है दृष्टि शर्मा। हेलो। हाय दृष्टि। हेलो। तो अभी मैं और दृष्टि जा रहे हैं वहाँ पे, आपको भी दिखाएंगे। थोड़ी सी हाइट है वहाँ पे और काफ़ी अच्छे से है, और जब हम छोटे थे तो हम यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आते थे, और यहाँ पे हम रेडू भी बोलते हैं। तो अभी हर्ष शर्मा भी आ रहा था, लेकिन हर्ष को कुछ नींद ज़्यादा ही आ गई थी, उसका एग्ज़ाम था आज, तो फिर वो नहीं आ पाया। शायद जब मैं श्यामा काली मंदिर जाऊंगी तब वो साथ चले। तो अभी चलते हैं ऊपर, और यहाँ पे हमारा आम का बगीचा भी है। और अभी हम ऊपर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है खुफिया सा पानी का टैंक। जब हम छोटे थे तब इस टैंक में पानी आता था, अब ये फट चुका है, बंद हो गया है, अब इसमें पानी स्टोर नहीं करते। अब यहाँ पे नया टैंक बन चुका है जहाँ से पूरे गांव को पानी की सप्लाई होती है, और इस टैंक की जो ये स्लाइड्स हैं, यहाँ पे हम बहुत सी स्लाइड्स करते थे बचपन में इन शीट्स के ऊपर। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी अपना पिकनिक स्पॉट। और ये है रीडू का पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे इस जगह पे हम चूल्हा लगाते थे, ईंटे लेके आते थे नीचे से, और यहाँ पे चूल्हा लगाते थे और यहाँ पे बनाते थे मैगी समोसे। और यहाँ से पूरा गांव गलमा दिखाई देता है, और यहाँ पे लगी हुई है अभी ठंडी ठंडी हवा। देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा व्यू दिखाई देता है, और अभी सनसेट भी हो चुका है। दृष्टि कैसा लग रहा है फिर यहाँ पे आपको? अच्छा। कितना अच्छा? मैं तो आती रहती हूँ। मैं भी आती रहती थी पहले, लेकिन जब से बड़ू साहिब गई हूँ हॉस्टल तब से यहाँ पे आना कम हो गया है। और यहाँ से देख सकते हैं आप हमारे घर का व्यू, ये जो नीचे दिख रहा है
और उसके नीचे भी दिख रहा है, और उधर पेड़ों के पीछे छुप गया है हमारे घर, और उधर वाली साइड को हमारी कुल देवी का मंदिर है जहाँ पे हम जाएंगे कुछ दिनों के बाद, जो ऊपर सबसे ऊपर वाली पहाड़ी है वहाँ पे। और इस साइड है गांव भलवानी, और ये जो पूरे खेत दिखाई दे रहे हैं आपको, ये है रोपा। यहाँ पे हमारी फसल लगती है, जहाँ पे फार्मिंग होती है। और इस साइड को, नीचे वाली साइड को है नेर चौक। तो अभी चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से जाता है पूरे गांव को पानी, तो अब हम यहीं से जाएंगे क्योंकि रास्ता यहीं से है, खुफिया सा रास्ता। बहुत कीचड़ सा भी है। समझ के भी चल रहे हैं आगे आगे और मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा रास्ता है, जहाँ पे हम कहीं भी गिर सकते हैं। किधर जाना? उधर, उधर से आगे। और इस साइड को है बुशहर गांव। ये है हमारे देवता का मंदिर, अभी अभी बन रहा है ये। पहले तो सिर्फ ओपन, सिर्फ ऐसे स्थान सा था बैठने के लिए, जहाँ पे जब देवता आते हैं वहाँ पे बैठते हैं। लेकिन अभी गांव के लोग, जो कमेटी है गांव की देवता की, वो अभी मंदिर बनवा रहे हैं ताकि वो यहाँ पे बैठ सकें देवता, क्योंकि कई बार बारिश वगैरह लगी होती है तो ओपनली बैठना पड़ता है। और ये है गलमा के गांव वासियों के घर। तो अभी चलते हैं अंदर। ये है हमारे देवता का स्थान। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिखाई देता है इस टाइम पे। दृष्टि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा। फर्स्ट टाइम आए आप यहाँ पे? हाँ। क्यों, पहले नहीं आई थी कभी? नहीं, हमें मना करते थे। क्यों? मेला होता था ना, फिर पता नहीं क्यों करते थे मना। वो शायद जब मेले के टाइम पे यहाँ पे बकरों वगैरह की, जो भी बकरियाँ भेड़े होती हैं उनकी बलि चढ़ती है, तो बच्चे उसको देख के डर जाते हैं, इसलिए मना करते हैं बच्चों को कि ऊपर नहीं जाना, क्योंकि यहीं पे चढ़ती हैं वो ऊपर। और जहाँ पे आपको ये शॉप सी दिखाई दे रही है, वहाँ पे नीचे उधर इन घरों के आगे वाली साइड पे लगता है मेला, जो गांव का मेला होता है, गलमा गांव का मेला। और एक मंदिर वहाँ पे भी है, छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको। ये किसी गांव वालों ने बनाया होगा पर्सनली अपने घर के पास। चलें दृष्टि वापस। चलो तो अभी चलते हैं वापस। बाय, बाद में मिलते हैं। तो हमारे पीछे पीछे शर्मा पहुंच ही गए, जो सोए हुए थे और हो गए हैं लेट। जाओ मत्था टेक के आ जाओ जल्दी, वी आर वेटिंग फॉर यू हेयर। होगी इनके गप्पे शुरू। अब ये लगा देंगे एक घंटा घर पहुँचते पहुँचते, 5 मिनट के रास्ते को इसको एक घंटा भी लगा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इनकी। तो अभी हम बाला टिक्का देवता की दर्शन तो नहीं, लेकिन जो वहाँ का स्थान है वहाँ पे माथा टेक के आ गए हैं। और अभी मैं और हर्ष जाएंगे दूसरे मंदिर, तो चलिए चलते हैं। हर्ष, आप जाने के लिए इंटरेस्टेड है? यस। चलिए तो चलते हैं। तो अभी हम तीनों पहुँच गए हैं घर। बाय दृष्टि। बाय। सो गाइज, अब हम श्यामा काली माता के मंदिर जा रहे हैं और समृद्धि दीदी ड्राइव कर रहे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। सो गाइज, अब हम पहुँच चुके हैं। तो ये है हमारे गांव का श्यामा काली मंदिर,
बाय। यहाँ पे शिव जी भगवान का मंदिर भी है और यहाँ पे भोले बाबा है और यहाँ पे भोले बाबा की बैल है। चले हर्ष। सो गाइस अब हम जा ही रहे थे पर पुजारी जी ने हमें रोक लिया कि बच्चों खाना खा के ही जाना, नवरात्रों में खाना खा के जाते हैं। अभी हम मंदिर से आ गए हैं और ये है यहाँ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल गलमा, जो अभी रात को दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी चलते हैं, किसी और दिन दिखाएंगे आपको गलमा का स्कूल। अभी हमने यहाँ पे पार्क की थी अपनी स्कूटी, तो अभी वही देखते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि वहाँ पे पुजारी जी ने हमें लंगर ऑफर कर दिया था। हम तो आने ही लग गए थे, फिर उन्होंने कहा बेटा खा लो खा लो, फिर मना नहीं कर पाए, थोड़ा सा खा ही लिया और अभी काफ़ी शाम हो गई है, तो चलते हैं घर वापस। कोई नहीं, हो गया अब तेरा डिनर। बाय बाय। अभी हम सब पहुंच चुके हैं घर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुभ रात्रि।